कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हालात का जायजा लेने शनिवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। यहां मंत्री डोटासरा ने पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार बेहद गंभीर है, सैनिटाइजर और मास्क की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करा जाएगा कि एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए भी कोई कमी नहीं रहेगी। डोटासरा ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शीशराम चौधरी को कहा कि बाहर से आए हुए हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। इस गंभीर हालात में अगर कोई भी व्यापारी मूल कीमत से अधिक पैसे या फिर कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये दिशा निर्देश पूरे तरीके से दिए गए हैं कि इसकी एक रेट तय कीजिए, उस रेट के ऊपर कोई भी व्यक्ति सामान नहीं बेचेगा। अगर कोई रेट से ज़्यादा पैसे लेते हुए पाया गया तो उसकी दुकान का लाइसेंस भी जब्त होगा, उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी। अब खबर जालौर के साचौर से है, जहां लॉकडाउन को लेकर पूरे प्रशासन ने शहर में अलर्ट कर दिया है। ऐसे